अपने आश्रम को लेकर कई अन्य आरोपों में जेल में बंद कबीरपंथी संत बाबा रामपाल दास महाराज के अनुयायियों ने इंदौर में बड़ी घोषणा करते हुए भाजपा के किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने का प्रण ले लिया है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलने के अलावा बड़े वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल पूरा वाकया कबीरपंथी संत बाबा रामपाल दास महाराज से जुड़ा हुआ है। देश भर सहित मध्य प्रदेश में बाबा रामपाल दास महाराज के लाखों की तादाद में अनुयायी फैले हुए हैं। बाबा रामपाल दास पर सरकारी कार्य में बाधा और आश्रम में लोगों को बंधक बनाने सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं और बाबा इस समय जेल में बंद है। पिछले दिनों ही बाबा पर आरोप साबित होकर सजा का ऐलान भी हो चुका है, जिसे लेकर बाबा के अनुयायी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिनों ही इंदौर के पलासिया इलाके में महालक्ष्मी नगर में बाबा के अनुयायियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अनुयायियों का मिलन समारोह और सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 3 लाख से ज्यादा अनुयायी पहुंचे थे। लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए 3 लाख अनुयायियों को इंदौर से वापस लौटा दिया था। इस आयोजन में अनुयायियों का लाखों रुपए का खर्च भी हो गया था, लेकिन अनुयायियों ने विरोध के लिए चुनाव के पहले का समय निश्चित किया हुआ था। तब से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को कोसते हुए बाबा रामपाल दास के अनुयायियों ने इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने का ऐलान कर दिया है, जिससे 28 नवंबर को होने वाले मतदान में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सर जी, ये 18 नवंबर 2014 को जिस प्रकार से दमनकारी नीति की तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने बरवाला हरियाणा के अंदर हमारे भक्तों के ऊपर प्रहार किया था और 18 नवंबर को हमारे गुरुजी ने स्वयं को उस दिन गिरफ्तार किया था, इसलिए हम आज का दिन ब्लैक डे के रूप में, काला दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी के तहत हम सारे भगत लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने सिरों पे काली पट्टी बांध के एक ब्लैक शर्ट पहन के आज के दिन का और हरियाणा सरकार का और मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन अपन भी देंगे और हम आज इसका एक ज्ञापन भी बना करके महामहिम राष्ट्रपति जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से देंगे।